Hi guys, welcome back to my channel. It's Manisha and I'm back with yet another video. Well, today's video is going to be a book review, and the book that I'm going to review today is A Room of One's Own by Virginia Woolf. इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, let me show you my room. ये है मेरा room. ये है मेरा desk. यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, लिखती हूँ. अलग-अलग जो writers हैं, philosophers हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानती हूँ और बहुत कुछ नया सीखती हूँ. ये तो था रूम टूर. सो अब बात करते हैं बुक की. जब मैंने ये किताब पढ़ी थी बहुत सालों पहले, तो एक मुझे सेंस इससे मिला था जो कि क्लियर मैसेज है इस किताब का, कि नॉट ओनली राइटर्स जिनको लिखना है, यू नो वेमेन हु वॉन्ट्स टू राइट, नॉट ओनली दोज बट जो भी महिलाएं हैं या फिर पुरुष भी है, उनके पास में एक ऐसी जगह होनी चाहिए, एक ऐसा कमरा होना चाहिए जहाँ पर कि वो इत्मीनान से पढ़ सके, और उनको फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए. अ रूम ऑफ वन जोन बेस्ड है वर्जीनिया वुल्फ द्वारा 1928 में दिए गए सीरीज ऑफ लेक्चर्स के ऊपर, वेमेन इन फिक्शन से रिलेटेड. तो इसके ऊपर उनको लेक्चर देना था, सिर्फ इस टॉपिक पे लेक्चर देने के लिए. आई एम टॉकिंग अबाउट 1928, और यूरोपियन कंट्रीज में भी सिचुएशन अच्छी इतनी नहीं थी महिलाओं की. स्पेशली अगर बात करते हैं लिटरेचर में, बहुत ज़्यादा ऐसी वेमेन नहीं थी जो थी वर्जीनिया वुल्फ के अकॉर्डिंग. जो भी एनोनिमस हुए हैं उस टाइम पे हुए थे, वो सब महिलाएं ही थी, क्योंकि मोस्टली वेमेन जो है वो नाम लिखना नहीं प्रेफर करती थी. तो ये टैबू कहीं ना कहीं अभी तो हम लोग 21st century में है, ब्रेक हुआ है, बट देर आर स्टिल फ्यू थिंग्स यू नो दैट रियली नीड्स टू बी चेंज्ड. और ये बुक अपने आप में उसके लिए बहुत बड़ी केस स्टडी है, लिटरेचर है. वर्जीनिया वुल्फ खुद एक राइटर थी और उनका रिसर्च भी उसी पे बेस्ड था, क्योंकि उन्होंने लेक्चर्स देने थे. तो उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी किया बहुत सारे राइटर्स को जिन्होंने विमेन के बारे में लिखा है. एंड शी यूज टू से कि व्हाई विमेन आर नॉट राइटिंग अबाउट मेन और अबाउट देमसेल्व्स, व्हाई ओनली मेन आर राइटिंग अबाउट विमेन. वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत ही क्लियरली लिखा है इस किताब में कि अगर अ वुमन हैज टू राइट, देन शी शुड हैव अ रूम ऑफ वन जोन एंड शी शुड बी फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट. इस किताब में एक और चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अलग अलग राइटर्स के बारे में जिस तरह से स्टडी किया है वर्जीनिया वुल्फ ने, और उनको कंपेयर किया है फिर एक दूसरे से, और कौन बेटर है, कौन किस तरह से लिख रहा है. विमेन इन फिक्शन को लेके अगर बात करें तो वर्जीनिया वुल्फ ने जिस तरीके से इस किताब में समराइज किया हर एक चीज को, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है. और बहुत सारी चीजें तो आई फील आज भी रेलेवेंट है. इवन इन 21st century वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद सो मेनी थिंग्स, अगर विमेन इन फिक्शन या विमेन इन राइटिंग को लेके बात करें तो. दिस बुक एक्चुअली मेड मी थिंक अबाउट सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ इटसेल्फ. अ रूम ऑफ वन जोन में लिखे गए जितने भी चैप्टर्स है या जो भी अलग अलग लेक्चर्स लिखे गए हैं, उसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं. उन्होंने लिखा कि इमेजिन करिए अगर इतने मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर शेक्सपियर उनकी बहन होती, उन्होंने उनको इमेजिनरी नाम दिया है जूडिथ, तो क्या उनको सेम अपॉर्चुनिटीज मिलती, क्या उनको सेम एजुकेशन मिलती, वो खुद से ही लंदन जाके पढ़ पाती और जिस तरह से उनको सोलेस मिलता वो राइटिंग कर पाती. ये कंपैरिजन जो है उन्होंने बहुत ही nuances जो है इसके वो देखने लायक है. एंड when यू रीड इट यू कैन फील दैट हाउ डीपली शी हैज researched ऑल दीज राइटर्स, मेन राइटर्स, एंड शी was डूइंग द रिसर्च फॉर ऑल दीज लेक्चर्स, women एंड फिक्शन. एंड दिस बुक नॉट ओनली टॉक्स अबाउट जेंडर, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट प्रिविलेज, कि किस तरह से जेंडर के बेसिस पे ही प्रिविलेज जो है वो एजुकेशन के लिए एक्सेस हो, चाहे बाकी सारी चीज़ें हो. 1928 के आसपास की आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट टू इन यूरोप. इंडिया में अभी भी आई गेस बहुत सारी ऐसी कॉन्वर्सेशंस है जो इस चीज़ को लेके होनी चाहिए. आई थिंक दिस बुक इज स्टिल रेलिवेंट अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें. एक तरह से इसको वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक कहा जाता है फेमिनिज्म के लिटरेचर में. एंड यू नो व्हाइल आई वाज रीडिंग दिस बुक, मुझे ये लगा कि मैं सच में मैं कितनी प्रिविलेज हूँ कि मुझे एजुकेशन मिला. आई हैव अ रूम ऑफ माई ओन एंड आई कैन रीड एंड राइट एंड स्पेंड ऑन ऑल दीज थिंग्स दैट आई स्पेंड ऑन, विच इज बेसिकली बुक्स, जो कि मुझे बहुत पसंद है पढ़ना.
तो मेरे लिए एक पर्सनल जर्नी थी इस किताब को पढ़ना, और उसके बाद में वो जर्नी अभी तक कंटिन्यू होती है। सो अब बात करते हैं इस बुक के टेक अवेज की, क्योंकि आप कोई भी बुक पढ़ते हैं उससे लर्निंग मिलती है। देर आर फ्यू थिंग्स यू नो दैट स्टेज विद यू, और आप उसको सीखना चाहते हैं, उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में इम्बाइब करना चाहते हैं। सो अ रूम ऑफ वन जोन से बहुत सारे टेक अवेज है। कुछ एक जो मुझे पर्सनली फील होता है वो, उनमें से सबसे पहला ये है कि यू शुड हैव अ रूम ऑफ वन जोन। आपका अपना कमरा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे एक छोटा सा कॉर्नर हो, छोटा सा कमरा हो, जहाँ पे आप वो सारी चीज़ें कर पाएं जो आप करना चाहते हो। सेकेंड पॉइंट जो कि इसी से कोर रिलेटेड है, वो है फाइनेंशियली आपका सेल्फ डिपेंडेंट होना। अगर आप फाइनेंशियली, अगर आप अपने बिल्स पे कर रहे हैं, अगर आपके जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट हो रही हैं, एंड यू वांट टू गेट इनटू सम डिफरेंट आर्ट, बी राइटिंग, पेंटिंग, डांसिंग, और जितनी भी आर्ट है आप उन सारी चीज़ों में जाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको खुद आप फाइनेंस करते रहे, एंड साइड हसल के साथ में आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो आई गेस ये बहुत ही क्लियर मैसेज है इस बुक में। थर्ड मैसेज यही है, आई गेस इनडायरेक्टली वर्जीनिया वुल्फ यही कहना चाह रही थी कि जो प्रिविलेजेस है, जो ये गैप है जेंडर बेसिस पे, वो कम होना चाहिए। तो हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए अपने लेवल पे कि वो कम होता जाए, हर एक जनरेशन उसके लिए प्रयास करे। सो आई गेस दैट वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा आज का रिव्यू। अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी किताब है जिसका मैं रिव्यू करूँ, तो प्लीज़ ज़रूर बताइए, और आपको कैसा लगा रिव्यू ये भी बताइए। आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में भेजिए, एंड देर इज गोइंग टू बी सम मोर बुक रिव्यूज, बुक रिकमेंडेशंस, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।